મુજરોસા રાજ્યની 25 લોકસભા સીટા ખાતર બુધવારને હુયા ચુનાવમાં પ્રદેશની દોન્યુ મોટી રાજનૈતિક પાર્ટીયા કોંગ્રેસ અર ભારતીય જનતા પાર્ટી રે બીચ કડો મુકાબલો નજર આયો રાજ્યમાં છોટી મોટી ઘટનાવાને છોડર ચુનાવ શાંતિ સુ સંપૂર્ણ હુયા ચુનાવના નતીજા 13 મહિને આણા હે નતીજા કિન કરવટ બેઠેલા અર ક્યું ઇનમાંથી રાજનૈતિક હલકામાં બહેસ જારી હે આવો આજના પ્રગતિ પથમાં આપા ભી મુઆઈનો કરા સંભાવના અર દાવારો જો ચુનાવના નતીજા માથે અસર દેખા શકે હે તો ચાલા પ્રગતિ પથ માથે રાજ્યમાં 14મી લોકસભા સારું 25 સીટ માથે ભાગ્ય આજમારિયા 185 ઉમેદવારા સારું 52% મતદાતા 5 મહિને મતાધિકાર રો પ્રયોગ કર્યો પ્રજાતાંત્રિક તરીકા સુ સરકાર બનાવણ ખાતર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનારો બટન દબાર આપરો વોટ દિયો ઉમેદવારા ભાગ્ય રો ફેસલો 13 મહિને હોણો હે મતદાન રે પાછે કરડી સુરક્ષા રે બીચ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીના મતદાન કેન્દ્ર માથે જમા કરાઈ ગઈ અર રાખી જારી હે મશીન માય ગડબડી અર રાજનૈતિક પાર્ટીયારા કાર્યકર્તામારે બીચ ઝડપરી છોટી મોટી ઘટનામારી વજે સુ પ્રદેશરા 14 મતદાન કેન્દ્રમાં ફેરું મતદાન કરાય ગયો ચુનાવ આયોગ અભે જૂટ ગયો મતગણનારી તૈયારીમાં કાઉન્ટિંગ કી ભી વ્યવસ્થા તૈયારી કરી ગઈ હૈ કુલ 25 લોકસભા નિર્વાચન ક્ષેત્ર હૈ પર 23 કાઉન્ટિંગ સેન્ટર કી મંજૂરી ભારત સરકાર સે આ ગઈ હૈ ઇસમે ચૂંકિ ભરતપુર મે दो विधान लोकसभा केंद्र है भरतपुर बयाना उदयपुर उदयपुर सलंदर इसलिए 25 जगह 23 ही काउंटिंग सेंटर है इनकी मंजूरी आ गई है उनकी ट्रेनिंग कार्रवाई कर दी जाएगी और सभी तरह की स्वीकृतियाँ जो हमारे यहाँ जानी होनी है जो जिला स्तर जो राज्य निर्वाचन आयोग से जानी वो भी आ चुकी है एक तरफ जठे चुनाव आयोग मतगणना की व्यवस्था में लागे है वठे ही राजनीतिक पार्टियां में चिंता का कारण बने है कम मतदान असर था थोड़ा सा गर्मी का और शादियों का प्रश्न ये है कि कौन वोट नहीं डालते जैसे अल्पसंख्यकों के समुदाय में इस बार वो उत्साह बिल्कुल नहीं था टर्नअप भी नहीं हुए और इसलिए हम तो हमारे वोट डालने में कार्यकर्ताओं की कुशलता से स्ट्रेटेजी से कामयाब हो गए कांग्रेस की हालत तो ये है कि जो सारे समाचार आए हैं तो उसमें बहुत ही इनरेट और इनएक्टिव अब वो कुछ पॉकेट वोट हैं उनके जो लगातार आते रहते हैं वो ही डालने नहीं आए तो फिर क्या है कोई चुनाव में मतदान जरूर कम रहा है और ये मतदाताओं की उदासीनता का द्योतक है लगता ये है कि कोई बड़ा मुद्दा लोगों के सामने नहीं था चुनाव के लिए ऐसा लोग महसूस करते हैं शायद गर्मी का मौसम तो था ही लेकिन मतदान में बड़ा न होने के कारण भी टर्नआउट वोटर्स का बहुत कम रहा तेज तावड़ो और ब्याहरो मौसम कम मतदान रो एक कारण है या मतदाताओं में उदासीनता क्योंकि कोई मोटो मुद्दो इन बार रा चुनाव में कोनी आ सक्यो या फिर पार्टियां आपरा परंपरागत वोटरा ने निकाल ही कोनी पाई वणारा घरा सू इनरो जवाब तो मतगणना पाछे ही मिले लो इन बाबत मोटा दलारो माननो है 20+ 20, 21, 22, 23 सीट्स इसमें से विन करेंगे अब देखिए ये अंदाजे हर एक के अपने अपने हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा मानते थे कि 15 से 20 सीटें आ जाएंगी पहले अब हम मानते हैं कि 15 तक हमारी सीटें पहुंच सकती अब अनुमान लगाना मुश्किल है मतदान रे पाछे करियोड़ा अनुमानारा आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 20 और कांग्रेस ने 5 सीटा माथे जीतन रो अनुमान है પણ કાર્યવાહક કોંગ્રેસ પ્રદેશાધ્યક્ષના નિધન અર સરકાર વિરોધી ભીતરી લહેર કિતનો અસર દેખાવેલી
या भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय नेता आखिरी दिनामाय जो मौजूदगी दर्शाई और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो रोड शो करियो किन करामात दिखावलो इनरो पतो तो 13 में ही नहीं लागलो। एक बात म्हारी भी सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका मानक बाचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा रो गौरव बढ़ाओ। आप तो आज ही मानक लाओ, बाचो और बचाओ, है ना? अब एक खबरा के जरिए पेश है सप्ताह भर की हलचल। महाराजा उम्मेद सिंह जन्म शताब्दी समारोह तहत आयोजित भारतीय संविधान का भाषा दर्शन विषय माथे व्याख्यान माला माए मुख्य वक्ता रे बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता और भाषाविद मरुधर मृदुल कहो के हिंदी रा विकास माए राजस्थानी री अहम भागीदारी है। राजस्थानी भाषारी आपरी अपनी पिछाण है, इनरी संरचना ने समूचा देश में प्रतिष्ठित करण री दरकार है। मुख्य अतिथि रे बतौर केंद्रीय साहित्य अकादमी रा अध्यक्ष गोपीचंद नारंग कहो का हरेक ने मातृभाषा प्यारी होवे है, सबरी पिछाण और अहमियत भी होवे है। जलसारी अध्यक्षता करता थका पहलियाला नरेश गज सिंह कहो के राजस्थानी भाषा ने मान्यता वाजिब प्रचार प्रसार री कमी रे चालता कोनी मिल पा रही। ट्रस्ट रा निदेशक महेंद्र सिंह धन्यवाद ज्ञापित करियो। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस रा कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अबरार अहमद रो मंगलवार ने सुवारे सड़क हादसा माय इंतकाल वे गयो। डॉक्टर अबरार रो शव मंगलवार ने जयपुर माय कांग्रेस मुख्यालय माय रखियो गयो, जठे राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल रा सदस्य और आला कांग्रेसी नेता वड़ा ने पुष्पांजलि दी। मतदान रे पाछे राज्य रा 23 मतगणना केंद्र माथे करड़ा पहरा माय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीना राखी गई हैं। आ मशीना माय बंद वोटारो पिटारो 13 महीने खुल्यो जावेलो। जयपुर संसदीय क्षेत्र री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीना कॉमर्स कॉलेज पूगबो सिंझारे 7 बजे शुरू वेगे हो। मतदान दल मशीना ने अहलकारा ने देर रात ताई सौंपता देखा गया। राज्य माय 52% मतदाता आपरा वोट रो इस्तेमाल करियो। सैसू बत्तो 62% चूरू माय और सैसू कम प्रतिशत टोंक संसदीय क्षेत्र माय मतदान हुयो। राज्य माय छोटी मोटी वारदाता रे अलावा शांति सु निपट्यो प्रजातांत्रिक महायज्ञ। मतदान शुरू होन रे पहला 2 घंटा माय मतदान प्रतिशत कम रहो। कोरा 809% मतदाता ही पहुंचा मतदान केंद्र माथे। तेज तावड़ो भी रोके रखियो मतदाताओं ने, पण सिंझारो ढलता ढलता मतदान प्रतिशत 52% ताई पूग गयो। जोधपुर में पहली आला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहली रा सांसद और भाजपा रा प्रत्याशी जसवंत सिंह विश्नोई, अजमेर में कांग्रेस रा प्रत्याशी हबीबुर रहमान आपरा मताधिकार रो प्रयोग करियो। वठे ही बाड़मेर में मतदान केंद्र में लोगों री लंबी कतारा देखी गई। इन बार बुजुर्ग मतदाताओं रे साथे लुगाया माए भी जोश देखियो गयो। सुरक्षा रा माकूल इंतजाम रे बीच हुआ मतदान माए मतदाता पहचान पत्र या विकल्प रे बतौर दूजा पिछाण रा कागज लेर जानो जरूरी हो। मतदान केंद्र माए इनरी जांच करेगी। ओ पहलो मौको हो जदा चुनाव आयोग मतदाताओं ने आपरी सही सही पिछाण रो प्रमाण देवन सारू बढ़ावो दियो। इन बार सगली लोकसभा सीटा माथे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीना सु मतदान कराए गयो। इन तरह रो भी ओ पहलो मौको हो। गर्मी माए राहत सारू पीबारा पानी छाया और प्राथमिक चिकित्सारी सुविधावां प्रदान करावन रे साथे विकलांग मतदातावां सारू रैंप बनावन री पहल भी चुनाव आयोग पहली बार ही कीनी। जयपुर अजमेर दौसा टोंक जोधपुर और बाड़मेर माए मतदाताओं माए मतदान खातर चोखो रुझान और उत्सुकता देखण ने मिली। राज्य माए इन प्रजातांत्रिक महायज्ञ माए स्वेच्छा सु दियोड़ी आहुति एहसास करावे है जागरूक मतदातारो।
जोधपुर में मंगलवार ने प्रदेश स्तरीय राजस्थानी कवि सम्मेलन रो आयोजन हुयो, जिनमें राजस्थानी काव्य जगत रा वरिष्ठ कवि प्रतिदान कविया आपरी मायड़ भाषा री कविताओं सु श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध कर दीना। महाराजा उम्मेद सिंह जन्म शताब्दी समारोह नागरिक समिति और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट कानी सु आयोजित इन कवि सम्मेलन में ताऊ शेखावाटी, शुभकरण देवल, कल्याण सिंह राजावत, पुरुषोत्तम पल्लव, कविता किरण जिंडरा कवि राजस्थानी कवि सम्मेलन में प्रस्तुतियां देर वातावरण ने भाषामय और संस्कृति पूर्ण बना दीनो। इन मौका माथे मुख्य अतिथि जस्टिस चांदमल लोढ़ा, समारोह रा अध्यक्ष पहलियाला सांसद गत सिंह, पहलियाली महारानी श्रीमती हेमलता राजे और न्यायमूर्ति गुमानमल लोढ़ा भी मौजूद रहा। जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और स्वास कानीसू जोधपुर माय गुरुवार ने राखी जा जलसा माय स्वाति लोढ़ारी पोथी वाई वुमन आर व्हाट दे आर रो लोकार्पण समाज सेवी और सिने कलाकार नंदिता दास करियो। इन मौका माथे वे कहो कि महिला सरस्वती रे साथे दुर्गा रो भी रूप है, जेवा ठान ले तो की भी कर सके है। जलसारी अध्यक्षता करता थका भारतीय प्रशासनिक सेवा रा अधिकारी ललित के पंवार कहो कि आज रा जमाना माए जिंदगी माए सुर और ताल खातर नारी री महत्वपूर्ण भूमिका हो सके है। लेखिका स्वाति लोढ़ा कहो कि आ पोथी स्वय प्रबंधन रा खेतर माए भारतीय औरतों रा परिपेक्ष माए लिखी पहली पोथी है। इन हफ्ते जयपुर वासिया ने एक इन भात्रो अजूबो देखण ने मिल्यो जो 512 पहिया होवण रे बावजूद रेंग रेंगर चाल रही हो। मथुरा आयल रिफाइनरी सारू दो रिएक्टर जिनरो हरेक रो वजन 480 टन है, इन अजूबा हाइड्रोलिक ट्रेलर माथे सवार है और 50 दिन माए 1600 किलोमीटर रो सफर तय करे हुए। इन रे साथे चालण आला काफिला रा इंजीनियर और कारिंदा बिजली रा तार ऊंचा करे है, डिवाइडरा ने ठीक करे है और कठे खटे सड़का भी बनावे है, क्योंकि पुल रे माथे जे ओ अजूबो चाले तो पुल टूटन रो खतरो भी बने है। पुलिस और प्रशासन री मदद रे बावजूद कई घटनावां हो जावे है इन अजूबा रे साथे, फिर भी ओ अजूबो चालतो ही रहे है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु आपरी मंजिल कानी। इन री कमान संभाल रखी है राजस्थानी इंजीनियर सुरेंद्र गहलोत। पत्रिका कला किरण कानीसु राष्ट्रीय पुरस्कार सु नवाजोड़ा बाबूलाल मोरदिया रा व्यक्तित्व और कृतित्व माथे आधारित विशेषांक रो विमोचन गुरुवार ने जयपुर माय करियो गयो। जलसारी अध्यक्षता पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत करियो। जलसा माय सवाई मानसिंह द्वितीय, संग्रहालय रा सचिव नरेंद्र सिंह और राजस्थान ललित कला अकादमी रा अध्यक्ष प्रोफेसर सी एस मेहता खास पावना रे बतौर आपरा विचार प्रकट करिया। आज रा लोक रंग में आपा देखा एक चावो लोक गीत। Yeah.
इन कार्यक्रम माथे आपरा सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है बाता राजस्थान री मानक टीवी 6A फ्रेंड्स कॉलोनी लाल कोठी जनपद जयपुर। फोन नंबर 2742116 और जलते दीप भवन जालोरी गेट जोधपुर। फोन नंबर 2612900। आप मारे ईमेल से भी संपर्क कर सको इन पता माथे manaktv@yahoo.com।